दोस्तों सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और साथ में घंटा बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो फाइनली हम आ चुके हैं कुतुब मीनार और ये सामने टिकट काउंटर है। मतलब कैमरामैन से कहेंगे टिकट आप काउंटर दिखाइए, सामने दिखाओ। तो अब हम चलते हैं टिकट काउंटर की साइड टिकट लेने के लिए। आ जाओ चलो। फाइनली हम टिकट लेके आ चुके हैं। तो टिकट कुछ इस टाइप की, पॉइंट टाइप की। अब हम चलते हैं अंदर की साइड। आइए चलते हैं। ये है एंट्री गेट, यहाँ से हम एंटर करेंगे अंदर की साइड। आगे आपको दिखाते हैं, चलते हैं। तो सारी चेकिंग के बाद, इतना प्रोसेस होने के बाद हम अंदर हाँ, हो चुके हैं। और ये साथ में हमारा दोस्त है जफर, इसका इंस्टाग्राम आईडी है जफर हसन के नाम से। तो फाइनली हम लोग अंदर एंटर हो चुके हैं, अब चलते हैं अंदर की साइड। बहुत सुंदर व्यू है, बहुत अच्छी लोकेशन है एकदम, फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छी लोकेशन। आप सभी लोग आइए और इस जगह का आनंद लीजिए, बहुत अच्छी लोकेशन है सारी। ये देखिए, अब मुझे नहीं पता ये क्या, हम चल के देखते हैं। भी काफ़ी सारी विजिट आपको कराएंगे हम हर जगह की। चलते हैं आगे की साइड। ये देखिए बहुत अच्छी लोकेशन है, काफ़ी धूप है यहाँ पे और फोटो शूट वगैरह चलता रहता है अपन नॉर्मली है। और ये हमारे दोस्त लोग खड़े हैं, बोल रहे आ जाइए। तो हम चलते हैं आगे की साइड, दिखाते हैं आपको आगे। लोग काफ़ी लोग आ चुके होंगे, हम भी आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आज स्पेशल ब्लॉग शूट करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। ये देखिए अंदर चलते हैं, देखते हैं एंट्री है कि नहीं है, आगे चल के पता चलेगा कि अंदर एंट्री है कि नहीं है। चलते हैं सोफर, आ जाइए। यहाँ पे तो लग रहा है ताला, ऊपर जाने की अंदर जाने की एंट्री नहीं है। फोटो ले से तो हम इस तरीके से आपको दिखा सकते हैं कि ऊपर जाने की एंट्री सिर्फ नहीं है, पहले एंट्री थी। ये देखिए हम बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे खड़े हैं, सर ऊपर उठाने में मेरी जो कैप लगी वो गिर रही है बार बार। तो इस तरह से फिर हम आगे और भी लोकेशन आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर, आपको आगे दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये इधर से जाना बंद है, बाकी इधर की लोकेशन बहुत अच्छी है। हम आगे चलते आपको घूम के दिखाएंगे, चलते रहिए आगे की साइड। ये देखिए धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो ये है राइट साइड का व्यू, ये देखिए
ये मस्जिद है, इसके अंदर जो मस्जिद है, ये मस्जिद का अलग है पूरा, मैंने आपको आगे दिखा दूंगा, उसमें जो गाइडलाइंस हैं मतलब जो उसके बारे में लिखा हुआ है वो आप आगे हम दिखा देंगे आप लोगों को, आगे आपको पूरा व्यू दिखाते हैं इस साइड। कौन सा संगमरमर का लिखा? अभी ऊपर संगमरमर का इसका पत्थर लगा हुआ है, ये वाइट वाला जो है, पता नहीं भाई मुझे चला। जिस साइड से कोई पार्क वगैरह ऐसा कुछ है तो आइए चलते हैं देखते हैं। ये देखिए पीछे कुछ पार्क सा है हमें लगता है, तो चलते हैं हम, आ जाइए। व्यू तो आपको मैं दिखा चुका हूँ आगे का भी, और ये देखिए आप दोबारा यहाँ से देख लीजिए बैक साइड हम लोग जा रहे हैं। आइए चलते हैं फिर पीछे की साइड, हम लोग आ चुके हैं, ये पार्क सा है कुछ, चलिए देखते हैं क्या है। ये कुछ पार्क सा इस तरीके से व्यू है ये पीछे का, ये यहाँ पर पानी भरा हुआ है तालाब, इसमें छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो दिखाई नहीं देंगी आप लोगों को। मछली नहीं है, झूठ बोल रहा है ये। आप लोग आगे देखिए, चलते हैं आगे बैक साइड, हम लोग आ गए हैं। दिन ने अपने काफी लोगों को मार डाला था। अब काहे झूठ बोल रहे हो, जबरदस्ती का मतलब यार तुम लोग? नहीं रियल है, रियल है। तू क्या यहाँ अवेलेबल था? तू यहाँ मौजूद था क्या? नहीं, तो यहाँ मौजूद था। ये खंडर सा लग रहा है मुझे, पीछे की साइड हम लोग आ गए हैं, ये मुझे खंडर लग रहा है। तो अब आगे की स्पीच हमारा दोस्त देगा। रेडी, इतिहास के पन्नों को उठाया जाए तो ये पेड़ देख रहे हो आप लोग, कैमरा भाई देखो। अब हम कैमरा में काफी लोगों को लटकाया गया था, कुछ दिनों ने काफी लोगों को लटकाया है। काय झूठ बोल ले हो, भटकती है। अगर आप आना चाहते, ये कुछ मजाक कर रहा है, आप इसकी बातों को सीरियस मत लीजिएगा। ये लटके हुए हैं सारे की आत्माएं आपको यहाँ पे नजर आएंगी। जफर, खंडर के अंदर चलना है क्या? क्या इरादा है बोलो? नहीं जाना, शरीफ लग रहे तो मुझे है। चलते हैं फिर तो हम आगे की साइड देखते हैं। ये हम लोग आसपास ही घूम रहे हैं। ये सोने के पत्थर है भाई लोगों, ठीक है? अबे तुम यार बड़ा झूठ बोलते हो कसम से यार, ये तो मैं सोने के पत्थर लग रहे यार, पत्थर बोल भी रहा सोना। अरे मैं कमाल कर रहे तुम यार, आप सो सकते हो, क्या सोचेंगे वो लोग यार कि सोने के पत्थर है। इतना मत झूठ बोलो यार, खलजी का मकबरा है, खलजी का मकबरा, ये खिलजी का बोल रहा है, ये कुछ ज्यादा दिमाग दर बन रहा है भाई। ये जो आपको खंडर टाइप से लग रहा है ये खलजी का मकबरा है। चलते हैं सोफर आगे की साइड देखते हैं व्यू, बड़ा क्या अच्छा व्यू है। देख सामने का पार्क मुझे दिख रहा है, और काफी अच्छा व्यू है यहाँ का। क्या करते हो चम यार, ऐसे गलत बातें मत करो तुम लोग, बिल्कुल बकवास कर रहे हो तुम लोग यार। ये देखो क्या क्या बोल रहा, क्या बोला, बोल बोल बोल। मैं बता रहा हूँ, बोल बोल। क्या है ना, यहाँ पे लोग आते हैं, कुछ लोग कोपचे में ले जाते हैं, उसके बाद चल गंदा आदमी यार, गंदी सोच यार। ये अच्छी जगह है घूमने वाली जगह, तुम यार इसी बातें कर रहे हो यार, शर्म आ दी चाहिए तुम लोगों को यार। अरे नहीं, ये रियलिटी है भाई। नहीं रियलिटी नहीं है ये सामने क्या बना हुआ है इसको देख, चलो बेटा देखते हैं, कोई बात नहीं। मस्जिद है, हम साइज से मकबरा समझ रहे थे। ये देखिए बहुत अच्छा व्यू वैसे यहाँ का, अंदर हम जाएंगे आपको दिखाएंगे, अंदर का व्यू भी दिखाएंगे, आएंगे आ जाइए आप लोग। दिस व्यू इज वेरी नाइस, चलते हैं आगे की साइड, आ जाइए आप लोग। ये क्या है, ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम यहाँ पर जा नहीं सकते हैं, बस यहाँ पे बेच भी बैरिकेड लगाए, उधर नहीं जा सकते हैं। क्या ये देखिए, ये इसी मस्जिद का व्यू है अंदर का, ये देखिए बहुत सुंदर। कैमरा मैन भी था, देखिए इसके पास कैमरा लगा, अभी हम फोन से शूट कर रहे हैं। व्यू वाकई बहुत मस्त है कसम से, लाजवाब है। अच्छा और कुछ? लेकिन कुतुब मीनार का डायलॉग कहीं ना मिल पाए भाई, कुतुब मीनार का तो जवाब ही नहीं। व्यू देखो आप, माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यू है, देखिए आप डिफरेंट एकदम, बहुत अच्छा। आप लोग आइए विजिट करिए, डिफरेंट एकदम। हम आगे चलते हैं फिर, देखिए आप लोग आगे क्योंकि, आ जाइए भाई। हाँ क्या बोलना? लड़की थी दीवानी से। अच्छा, एक लड़के पे वो मरती थी। अच्छा जी, जब भी उससे मिलती थी पूछा करती थी। क्या पूछती थी?
तो वो दीन ऐबक ने कुतुब मीनार क्यों बनाया था भैया? तो ये बताया नहीं, कहानी है बहुत समय पहले की। अच्छा, एक दिन कुतुब जब अपने सुबह उठे, एक दिन की बात थी, उसके हाथ में एक लाठी थी। तुम साले को ज्यादा बगैती नहीं कर रहे हो। जो खड़ी हुई थी। अच्छा, वो धीरे धीरे खड़ी हुई। फिर उसने उसके दिमाग में विचार आया, उसने कुतुब मीनार बना डाला। अच्छा जी, वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या साड़ी। अबे ये तो इतिहास में कहीं लिखा ही नहीं है। ये जफर ने इतिहास में लिखा है भाई। तो गलत लिखा तुमने बेटा, ये इतिहास के पन्नों में आज से लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? जो मैंने अभी कहानी आपको बताई है रियल कहानी है। अच्छा, ऐसे ही कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। तो हम लोग चलते हैं वापस। ये देखिए। हाँ भाई, कहाँ जा रहा तू? घर यार। घर क्यों? थक गया मैं भाई, इतनी जल्दी थक गया। हम लोग बाहर की साइड जा रहे हैं, यहाँ तक समझाना पड़ेगा। अबे क्या बोला, क्या बोला भाई? हम लोग इसी को लेते हुए अब हम लोग अलविदा चाहते हैं। व्यू हम दिखा चुके आपको सारा। राहिल भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना, मतलब लाइक कर देना, लाइक कर देना। और इंस्टाग्राम पे आईडी भी है राहिल एसआर के नाम की, उसे भी इन्हें फॉलो कर लेना। हो सके तो लगे हाथ मुझे भी फॉलो कर लेना, जफर हसन 300। ओके, तो हम लोग फिर ब्लॉग एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आप लोगों से बात होगी, तो आप लोग बताइए आप कहाँ मिलना है। फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, नमस्ते।